गाइज वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल. माई नेम इज़ सिमरन. सो बेसिकली आज का वीडियो इज़ गोइंग टू बी अ प्रीमियम ब्लाउज हॉल. बेसिकली ऑल ऑफ दीज आर डिज़ाइनर ब्लाउजेज और इस बार मैंने ट्राई किया कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ना हो, बट वेन इट कम्स टू डिज़ाइनर ब्लाउजेज और अच्छी क्वालिटी के प्रीमियम ब्लाउजेज तो एक्सपेंसिव तो थोड़ा सा होता ही ऑब्वियसली गाइज. बट आई हैव लाइक सच अमेजिंग पीसेज फॉर यू विच आर लाइक गोइंग टू हेल्प यू दिस फेस्टिव सीजन अलॉट और आप उन्हें बहुत तरीके से स्टाइल कर सकते हो. बिकॉज ब्लाउज इज समथिंग यू कैन जस्ट प्ले विद साड़ी, यू कैन प्ले विद लहंगा, कुछ भी प्लाजो वगैरह कुछ भी स्टाइल कर सकते हो इफ़ यू हैव अ गुड गुड क्वालिटी ब्लाउज, एक गुड फिटिंग वाला. सो लेट्स गेट स्टार्ट विद टुडेज़ वीडियो नाउ. सबसे पहला और बेसिक जो कि मेरा फेवरेट है इज़ द वन दैट आई एम वेयरिंग राइट नाउ एंड आई बॉट दिस वन फ्रॉम द ब्रांड कॉल्ड फैबेले इंडिया. मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इंडिया पे कुछ ऐसा ब्लाउज मिल सकता है. बॉट दिस फ्रॉम अमेजोन और इसकी जो क्वालिटी है वो काफ़ी अमेजिंग है. इट गिव्स यू दैट परफेक्ट बॉडी फिट. मतलब थोड़ा थोड़ा मुझे ये नागिन वाली वाइब दे रहा है, आई डोंट नो वाई बट इट इज़ गिविंग दैट वाइब. और इसमें ना गोल्डन कलर का पूरा ये एक कपड़े में अंदर थ्रेड है जो कि यू नो इसे एक परफेक्ट आउटफिट बनाता है फॉर एनी फेस्टिवल, स्पेशली नाइट फंक्शंस के लिए. दिस इज़ अ वेरी गुड वन. ये एक ऐसा टॉप है जिसे आप एज अ ब्लाउज भी पहन सकते हो, लहंगे पे, स्कर्ट पे, साड़ी पे, या फिर आप इसे एज अ टॉप भी पहन सकते हो विद योर स्कर्ट्स एंड योर पैंट्स, क्योंकि ये काफ़ी यू नो क्लब वाली वाइब भी देता है. बट द फिटिंग इज़ रियली नाइस और परफेक्टली फिट होता है. सिर्फ इसमें मुझे एक चीज़ लगी कि ये थोड़ा सा यू नो ऊँचा है, हल्का सा. बट अगर आप इसमें कोई थोड़ा कंफर्टेबल और राइट फिटिंग वाला ब्रा पहनोगे तो ये आपको एकदम परफेक्टली फिट हो. बस एक यही वाली चीज़ मुझे इसमें लगी, बाकी आई जस्ट लव द फिटिंग. इट वॉज प्रिटी अफोर्डेबल एज वेल और कपड़ा इसका अच्छा है, कंफर्टेबल है, बिल्कुल भी आपको टाइट फील नहीं होता, लेकिन बॉडी पे अच्छे से हग करता है. सो दिस इज समथिंग दैट आई रियली रियली लाइक. नेक्स्ट ब्लाउज और ये वाला जो ब्लाउज मैंने पहना है इस पे ना आप कोई भी इस तरीके का हैवी चोकर पहन लो तो बहुत अच्छा लुक आता है फेस्टिवल्स पे. सो दिस इज द स्टाइलिंग टिप. मूविंग ऑन टू अनदर वन इज दिस ब्यूटिफुल वेलवेट ब्लाउज जो कि कलर है ब्लू. आई लव दिस नेवी ब्लू कलर और इसमें फ्रंट में ना इस टाइप की डिटेलिंग दी गई है. दिस इज बेसिकली वी नेक और इसमें फ्रंट में ही हुक्स दिए गए हैं. एंड ये जो ब्लाउज मैंने पहना हुआ इसमें साइड में चेन है एंड दिस हैज फ्रंट हुक्स, तो आप इसे बहुत कंफर्टेबली पहन सकते हो. इसमें पैडिंग भी दी गई है सो यू डोंट हैव टू वेयर एनीथिंग अंडरनीथ और पूरे पे इस तरीके की डिटेलिंग है, छोटा छोटा सीक्वेंस है और कॉर्नर्स पे एम्ब्रॉयडरी दी गई है इस तरीके से. एंड आई रियली लव द फिट ऑफ दिस. मतलब ये बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं है, बहुत ज़्यादा लूज भी नहीं है. दिस इज़ सो कंफर्टेबल एंड परफेक्ट, स्पेशली फीडिंग मदर्स के लिए तो ये वरदान जैसा है बिकॉज इट्स वेरी वेरी यूजफुल एट दैट टाइम, क्योंकि फ्रंट से आराम से खुल जाता है. एंड दिस इज लाइक काइंड ऑफ अ सभ्य साची लुक वाला ब्लाउज विच आई एम क्रेविंग फ्रॉम द लॉन्गेस्ट टाइम. बाकी सब जो मिले थे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, ये उतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है बट स्टिल इट इज़ ऑफ गुड क्वालिटी एंड ऑफ डिसेंट प्राइस, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि वेलवेट काफ़ी रिच और रॉयल लुक देता है, तो आपको ट्राई करना चाहिए. अंदर इसमें अस्तर दिया गया है, अगेन वेरी वेरी कंफर्टेबल एंड दिस इज इन द साइज 34, तो आप अपने हिसाब से यू नो ऑर्डर कर सकते हो. मुझे एकदम परफेक्टली फिट आया है और मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये वाला. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट ब्लाउज इज दिस वेरी ब्यूटिफुल बेसिक ब्लाउज दैट एवरीबडी नीड्स. वो है ये बहुत ही ब्यूटिफुल सा रेड मरून शेड में और इसके ऊपर इन लोगों ने ना ये फॉइल प्रिंट नहीं है, बेसिकली दिस इज़ ब्रोकेड, तो क्वालिटी बहुत अमेजिंग है इसकी. अगेन दिस इज़ फ्रॉम वामस और स्लीव्स का फिटिंग मुझे बहुत अच्छा लगा बिकॉज आई रियली लव दिस काइंड ऑफ नेक पैटर्न जो इस तरीके का होता है और पीछे से काफ़ी डीप यू दिया है इन लोगों ने. और फ्रंट की डिटेलिंग भी इसकी काफ़ी अच्छी है. अगेन इट कम्स विद द कप्स, तो आपको कुछ भी पहनने की ज़रूरत नहीं है. एंड ये किसी भी साड़ी को ना एक इंस्टेंटली बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और अच्छा लुक दे सकता है. आप इसे किसी भी साड़ी के साथ पेयर कर सकते हो, बी इट जॉर्जेट, कोई भी शिफॉन है, सिल्क है, वर्क वाली, जरदोजी वाली साड़ी, सबके साथ ये चल जाएगा बिकॉज इट्स अ वेरी नाइस डिसेंट फैब्रिक, अच्छा है, पूरा का पूरा कंफर्टेबल है, अंदर अस्तर दिया गया है और बहुत सुंदर लगता है पहनने के बाद. आप इसे चाहो तो अपने शादी के लहंगे के साथ भी पेयर कर सकते हो अगर वो सेम शेड का है और सिंपल दुपट्टा लेके, तो आप एक यूनिक सा लुक क्रिएट कर सकते हो एंड काफ़ी अच्छा लगेगा. एंड साड़ीज के साथ तो ऑब्वियसली इट विल लुक वेरी वेरी प्रिटी, मे बी विद एनी रेड, ब्लू, येलो ब्लू साड़ी, लाइट ब्लू वाली बहुत अच्छी लगेंगी इसके साथ. मूविंग
ऑन टू अनदर वन. अब ब्लाउज की बात हो रही है और गोल्डन ब्लाउज नाउ बिकॉज इट्स काइंड ऑफ अ मस्ट हैव. तो ये है एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा ब्लाउज अगेन फ्रॉम वामस और ये इनके कुछ नए डिजाइन आए हैं तो इसलिए मैंने ऑर्डर किया है. इट हैज दिस ब्यूटीफुल वर्क गोइंग ऑन इन द फ्रंट, इस पर लेस लगाई है. बैक में भी कुछ इस तरीके का राउंड नेक है इसमें, मतलब राउंड नहीं है, थोड़ा इस शेप में है और फ्रंट में इसमें थोड़ा सा स्वीट हार्ट नेक लाइन है हल्का सा. और स्लीव्स में भी इस तरीके का इसमें बॉर्डर लगाया गया है. एंड जो इसका मेन कपड़ा है गोल्ड वाला वो बहुत अच्छा है. अंदर इसमें अस्तर भी दिया गया है. इट कम्स विद द कप्स और इसमें डोरी भी है बांधने वाली. मतलब ये एक परफेक्ट गोल्डन ब्लाउज है जो कि किसी भी साड़ी के साथ आराम से मैच हो जाएगा. जब कुछ भी समझ ना आए इसे किसी भी स्कर्ट लहंगे या साड़ी के साथ पेयर करो एंड यू आर गुड टू गो. इट काइंड ऑफ अ मस्ट हैव बट ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव रेंज में है. व्हेन इट कम्स टू द क्लॉथ एंड एवरीथिंग क्वालिटी बहुत अमेजिंग होती है. क्लीन होता है, कोई धागे नहीं निकले हुए होते. सो दिस इज द बेस्ट पार्ट अबाउट द ब्रांड. सो मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये वाला ब्लाउज. नेक्स्ट ब्लाउज इज दिस ब्यूटिफुल मस्टर्ड कलर ब्लाउज फ्रॉम फैबले इंडिया. लुक हाउ ब्यूटिफुल दिस लुक्स. आई मीन ये इंस्टेंटली किसी भी साड़ी और लहंगे को ना एकदम यू नो महंगे वाला लुक दे सकता है. सो आई रियली लाइक इट. इसमें पीछे नेट का वर्क है पूरे पे एंड दिस इज द साइज स्मॉल फ्रॉम इंडिया. एंड इसमें अंदर अस्तर लगाया गया है, थोड़ा सा सैटिन टच में है. तो इसके फ्रंट में भी नेट दी गई है और उसके ऊपर ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा मिरर वर्क दिया है. प्लास्टिक मिरर वर्क है विद एम्ब्रॉयडरी एंड इट लुक्स वेरी वेरी प्रिटी. मतलब ये तो बिल्कुल फेस्टिव वाली वाइब देता है और ये थोड़ा अंगरखा स्टाइल में है. सो इट कम्स विद द हुक हेयर. तो आप इसे आराम से इस तरीके से खोल के एंड यू कैन जस्ट क्लोज इट फ्रॉम द साइड इस तरीके से लेके. और साइड में इसमें चेन गई है तो सो दिस इज़ वेरी वेरी नाइस. मतलब इसका कट भी अच्छा है स्लीव का और वी नेक पैटर्न है तो काफ़ी अच्छा लगता है पहनने के बाद. आप इसे किसी भी साड़ी के साथ पेयर कर सकते हो. ये बहुत ही डिज़ाइनर और यू नो पूरा फेस्टिवल वाला वाइब देता है. बट इसमें एक ही चीज़ है कि ये थोड़ा सा नेट का है तो ध्यान रखना कुछ भी ऐसी चूड़ी या फिर कुछ भी ऐसी ज्वेलरी मत पहनना जो उस नेट को खींच के निकाल दे, क्योंकि एक बार धागा निकला तो वो पूरे ब्लाउज का लुक खराब हो जाता है. आज के हॉल का लास्ट ब्लाउज इज अगेन वेरी बेसिक वन जो कि मुझे काफ़ी पसंद था बहुत टाइम से. आई वॉन्टेड दिस वन क्योंकि ये आपके किसी प्लाजो पे स्कर्ट पे साड़ी पे आराम से चल जाता है. एंड दिस इज अ ब्यूटीफुल ब्लाउज फ्रॉम फैबले इंडिया. एम्ब्रॉयडरी है साथ में, थोड़ा सा मिरर वर्क दिया गया है. इट्स अ ब्यूटीफुल ग्रे ब्लाउज विद वी नेक इन द साइज स्मॉल. सो इसका बैक प्लेन है लेकिन स्लीव पे आपको डिजाइन मिल जाएगा. सो इट इज दिस काइंड ऑफ अ ब्लाउज जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा. एंड दिस इज सो परफेक्ट फॉर फेस्टिवल्स. लाइक ये पूरी चीख चीख कर आपको फेस्टिव वाली वाइब दे रहा है. एंड आई रियली लाइक द फैब्रिक एंड एवरीथिंग. जॉर्जेट मटेरियल है फ्रंट में एंड एम्ब्रॉयडरी इज़ वेरी वेरी प्रिटी. आप इसे किसी भी रेड साड़ी के साथ पहनना बहुत अच्छा लगेगा. मे बी ऑन गोल्डन साड़ी या फिर कोई ब्लैक साड़ी के साथ भी अच्छा जाएगा. मतलब ये किसी भी साड़ी कलर के साथ ही अच्छा लगेगा बिकॉज इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एंड अ बेसिक ब्लाउज. तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा. आई एम लविंग द एम्ब्रॉयडरी ऑन इट. तो ये वाला भी आप ट्राई कर सकते हैं. पाइपिंग दी गई है फ्रंट में एंड इसका फिट एकदम नॉर्मल है. ज़्यादा टाइट भी नहीं, ज़्यादा लूज भी नहीं, एकदम परफेक्ट आया है मुझे तो. सो ये कुछ ब्लाउजेस थे. इन सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा. गो चेक इट आउट. एंड थोड़ा सा भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है पड़ोस में तो उसकी वजह से आवाज़ थोड़ा डिस्टर्ब रही होगी. सो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट. That's it for today's video. I hope ki video aapko achhi lagi to like kar dena, subscribe kar do channel ko, share kar do apne friends ke sath. Till then take care. Bye bye. See you in my next one.